अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं आप? भाई सूप पीने में मसरूफ हैं, कैसे हैं आप जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। भाई कहाँ से आए सूप पीने के लिए? भाई खोखरा पार से आया हूँ। खोखरा पार से आप यहाँ पे सूप पीने आए? ये भाई ठेला है, एक छोटा सा ठेला है, लोग दूर दूर से आ रहे। कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं आप? मैं यखनी पीता हूँ। यखनी पसंद करते हैं? दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इस मौसम के हिसाब से यखनी पीता हूँ। अभी मुझे इतना शरीर नज़ला था, लेकिन अभी प्याला मैंने शुरू करा और मुझे बेहतरी के आसार लग रहे हैं। माशाल्लाह। कुछ इनके जाती अपने मसाले हैं जो मतलब बाजार से नहीं मिलते, इस वजह से वो अलग ही उसका टेस्ट भी अलग बनता है। दूसरा नज़ला जुकाम खांसी वाले बहुत मतलब बहुत इनके सूप में जो है ना वो घर घर जैसी बात लगती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल 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 ऐसा ही है भाई। चले आप पिए, कहीं ठंडा ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं भाई। कराची का मौसम हो गया है तब्दील, और मामला यह है कि सर्दी जो है ना वो कुछ दिनों से आना शुरू हो गई है। रात के इस पहर में तो ठंड वैसे ही बढ़ जाती है, इसलिए आज हम मौजूद हैं। हमने सोचा कि यार रात हो चुकी है, वीकेंड है, तो कुछ गर्म गर्म ट्राई किया जाए। गर्म गर्म का सर्दियों में जब नाम आता है ना तो कहानी आगे रुकती है सूप पे भाई। तो यहाँ मौजूद हैं, ये जगह है मुइनाबाद, पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मुइनाबाद मेन फाटक है ये, यहाँ पे भाई अनवर भाई हमारे जो है ना वो सूप सेल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। मैं यहाँ पे पर्सनली आ रहा हूँ 2 साल से। जब भी कुछ बेहतरीन सूप मुझे पीना होता है सर्दियों में, या कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है, या घर वालों का दिल करता है, तो भाई सूप हमारे यहाँ यहीं से आता है। कहानी यह है कि इनके पास यखनी सूप होता है, चिकन कॉर्न सूप होता है, और साथ में इनके पास जो है ना वो फ्रूट चाट भी, क्रीमी फ्रूट चाट होती है बेहतरीन। यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपको प्राइस वगैरह बताएंगे, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, मसाले कौन से यूज़ कर रहे हैं। घर के मसाले होते हैं, इनकी बेहतरीन चीज़ें होती हैं। वीडियो करते हैं शुरू, तो चलें चलते हैं। ये देखें भाई पंजे, बेहतरीन पंजों का सूप है भाई। यहाँ पे ये गर्दन हो गई, गर्दन के साथ जो है ये कलेजी हो गई, ये चरगे का पीस नहीं है भाई, इसकी चिकन टूट टूट के इसमें डलेगी। ये दिल भी हो गए, ये दिल वगैरह आप इनसे लें, अलग से ये बना के देते हैं, उसके ऊपर सूप और मसाला डाल के देते हैं, बेहतरीन किस्म का। ये है यखनी सूप, इसमें अंडे भी मौजूद हैं, चिकन भी मौजूद है, और भाई बहुत पुरानी इनका ठेला लगता है यहाँ मुइनाबाद पे। मुइनाबाद ये फाटक वाला रोड कहलाता है, और इनके पास ये जो है ये यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप है। बराबर में जो है इनके पास ना वो क्रीमी फ्रूट चाट मिलती है भाई, लोग जो है वो बड़ा पसंद करते हैं। भाई क्या कॉर्न सूप रेडी कर रहे हैं भाई? हमारा जो है देखें कॉर्न सूप रेडी हो रहा है, इसमें अंडा भी है, अंडे के बाद नमक डल गया, नमक के बाद मसाले। ये देखें भाई सूप में मसाले, ऊपर से ये जो खुद से बना के देते हैं ना उसकी बात अलग ही होती है। ये ऊपर सिरका वगैरह हो गया, और सिरके के बाद ये क्या है भाई, चिकन, चिकन भी डाली अलग से। अब वहाँ से एक मिनट भाई, ये देखें भाई, ये भाई निकाल रहे हैं सूप, घुमा घुमा के ये निकल गया भाई हमारा सूप। ये देखें, ये 120 रुपये का है ना, 120 रुपए में ये बेहतरीन प्याली भाई। ये देखें, इसके बाद जो है ये ऊपर से और चिकन आ गई, मजीद चिकन, ये सॉसेस, सॉसेस के बाद क्या डाला, नमक। ये हुआ ही रेडी बेहतरीन। पापड़ी भी रह गई है, कहाँ है पापड़ी? पापड़ी भाई, पापड़ी भी आ गई है, ये नया टच आ गया है सूप के अंदर, पापड़ी। वैसे मैंने जो है ना वो बटेर का जब सूप पिया था उसके अंदर पापड़ी खाई थी। ये देखें भाई कॉर्न सूप में पापड़ी, ये हो गई रेडी। ये देखिए भाई, ये आ गया प्याला हमारे पास भर के 120 रुपए में। पापड़ी भी, चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी, पूरा अंडा है भाई, और एक मजे की बात यह है कि टेस्ट भी अच्छा है ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट जो है इसका फारिग हो, पहले मैंने पिया था पिछले साल का बता रहा हूँ, हिलाने की जगह नहीं है। हाँ ये एक मसला है, कॉर्न भी हो गए। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ा आ गया मुझे जो है ना वो पापड़ी के बगैर ही अच्छा लगा था। पापड़ी जो है ना टेस्ट मज़ा नहीं करा रही, इसमें पापड़ी का टच मज़ा नहीं दे रहा मुझे, जो है ना वो पापड़ी के बगैर ही पसंद है, बेहतरीन है यार भाई। इस सर्दी के मौसम में इतना बेहतरीन सूप आपको अगर 120 रुपए में
अंडे वाला मिल जाए तो क्या ही बात है, और वो भी करीब में। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा कि भाई बाइक का मसला है, ठंड बहुत है। नहीं भाई, आपको जो है वो करीब में ही मिलेगा। मलिर वालों के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इस सर्दियों में जो है ना वो आपने यहाँ पे आना है, ये सूप आपने लाजमी ट्राई करना है। ये देखो भाई, सूप के बाद हमारा मूड हुआ कि फ्रूट चाट इनकी लाजमी ट्राई की जाए। फ्रूट चाट भी भाई सूप की तरह इनकी ना बड़ी लजीज होती है। मैं जो है वो भाई को दिक्कत दे रहा हूँ और घुस रहा हूँ इनकी फ्रूट चाट में। ये देखें, ऐसे देखें पहले ये फ्रूट चाट, ये बेहतरीन क्रीमी फ्रूट चाट। क्या क्या हिसाब चल रही है भाई, क्या रेट वेट क्या है वैसे? 60 और 100 रुपीस की। वैसे ये बाउल कितने वाला है? 100 वाला बना दीजिए भाई। ये 100 वाला क्रीमी फ्रूट चाट का बाउल रेडी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो है ना ये पहले से तैयार रखते हैं, आप निकालें, आप काम करें, ये पहले से रेडी रखते हैं। इसके बाद ऊपर से ये ओ हो प्लेम्प्टी ब्लास्ट हो गई है लग रहा है मुझे, ऐसा ही है शादी का पटाखा है ये? इतना खतरनाक पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? इसराइल से आए। हमारी शादी में तो नहीं थे यार ऐसे पटाखे। आपकी शादी में थे ऐसे पटाखे? हमारे यहाँ तो नहीं होते ये बाकी में इसराइल से आए, ये अमेरिका ने भेजा भाई। ये इंडिया से आए, ये टीम अभी वापस आई है ना, लेके भेजा होगा। ये क्या डालना है? ये क्या है? ये जेली है, मिठाई है ये मिठाई भाई। ये देखें भाई, अनोखी मिठाई यहाँ पे आ गई है इस फ्रूट चाट के ऊपर। और अब क्या आने वाला है भैया, और भी कुछ है? ये अनार भी आ गए, ये अनार अलग से डलते हैं, ये अनार भाई अलग से डलते हैं। 100 रुपए की ये सिर्फ फ्रूट चाट है जो कि बड़ी बेहतरीन है। इस पे अब आ जाएगी क्रीम। ओए होए होए होए, क्रीम चेक करो भैया, ये देखो क्रीम चेक करो, बेहतरीन क्रीम हो गई यार। चलो भाई, अब जो है इसके ऊपर ये क्या नौरस है, नौरस का भी छिड़काव हो गया भाई इसके ऊपर। ये आ गया इस पे नौरस। बस भाई ये हो गई है फ्रूट चाट रेडी भाई हमारी। भाई ये सूप के बाद जो है ना फ्रूट चाट, मैंने बोला कि जब यहाँ पे आया हूँ ना तो फ्रूट चाट इनकी ऐसी है जो रमजानों में मुझे बड़ा मजा दिया करती थी भाई। और 100 रुपए की फ्रूट चाट मतलब के बेहतरीन है, इसमें इतना कुछ इन्होंने डाला है और होती भी फ्रेश है। ये नहीं कि 2-4 दिन की रखी हुई है, माशाल्लाह से काम ऐसा है ना इनका कि ये निकलती रहती है और ये रोजाना आपको फ्रेश मिलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार क्रीम भी है, और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो कुछ मिठाई भी डाली है छोटी छोटी सी, और एक चीज की कमी है, चॉकलेट। देखा, मुझे पता है क्या क्या डालते हैं। ख़त्म हो गई भाई, रात हो रही है, ख़त्म बंद करने का टाइम है सही, तो चॉकलेट ख़त्म हो गई है यहाँ पे। उसके अलावा भी बड़े मज़े की लग रही है। मैंने जो है ना इसको च्युइंग किया तो मुझे ख्याल आया कि चबाने में वो चॉकलेट मुंह में नहीं आ रही है। तो कहानी यह है कि भाई दोनों चीज़ें बेहतरीन है। मुइनाबाद मलिर में जो लोग रहते हैं, फ्रूट चाट और सूप के लिए यहाँ आपने लाजमी आना है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई हमेशा अच्छी चीज़ें लेके आता है। जहाँ मुझे लगता है ना चीज़ मज़े की नहीं है, वो मैं वीडियो में बोल देता हूँ भाई, चीज़ जो है वो मज़े की नहीं है। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।